यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के चुनाव के बाद प्रवीण तोगड़िया ने नव निर्वाचित अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दी और साथ ही उन्होंने कहा कि वीएचपी को अलविदा कह दिया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव में सत्य की हार हुई और असत्य ने सत्ता के बलबूते जीत हासिल की है। उन्होंने बताया कि वीएचपी को छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर किया गया है, उन्हें धमकी दी थी जिसका वो जल्द ही ऑडियो क्लिप भी जारी करेंगे। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद में पिछले 32 साल से सदस्य और अध्यक्ष पद पर रहे, फिलहाल उन्होंने वीएचपी को अलविदा कह दिया और दावा किया है कि वो बाहर रहकर हिंदू के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनका उद्देश्य राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनवाना है जो संसद में बनवा कर रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वो 17 अप्रैल को अहमदाबाद में अनशन करेंगे। कि संसद में राम मंदिर का कानून बने, गौहत्या बंदी का कॉमन सिविल कोड बने, कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में अपना घर मिले, बांग्लादेशियों को बांग्लादेश मिले, ये आवाज आज विश्व हिंदू परिषद में दबाने का काम हुआ है। परंतु चाणक्य जी ने कहा था कि बड़ा जंग जीतना है तो छोटी हार से गुजरना होता है, बस बड़ी लड़ाई जीतने के लिए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आज छोटी हार से गुजर रहा है। विश्व हिंदू परिषद में था, मैं आज नहीं हूं। मंगलवार से 17 अप्रैल से अहमदाबाद में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठने जा रहा हूं।